एक काम करो यार, इंजीनियर एक काम करो, सुनो चिल्लाओ मत, एक काम करो, या तो पानी पी लो ठीक है, बात तो सुनो, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम यही कर सकते हो। अपनी गलती मान रहा है पाकिस्तान, क्या हर दिन भारत की मार से पाकिस्तान अब सुधर रहा है? और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर वाले झूठ पर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है, इसलिए बाजवा खुलेआम आजकल? ये बात पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, ये सवाल मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। लौट कर बुद्धू घर को आए, पाकिस्तान के साथ ये कहावत हर दिन सच साबित हो रही है। कश्मीर पर दुनिया भर से मार खाने के बाद पाकिस्तान अब पनाह मांग रहा है। जो पाकिस्तान बीते 70 साल से कश्मीर पर झूठ बोलता आ रहा है, वो मार खाने के बाद ऐसा सुधर गया कि गंदी जुबान भी सच का साथ दे रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का बाजा बज गया है। अभी हफ्ते भर भी नहीं बीते थे कि पाकिस्तान ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया और कश्मीर पर अपनी भूल को मान रहा है, और वो भी दबी जुबान में नहीं, पूरी दुनिया के सामने इसका ऐलान करके। बाजवा की बर्बादी का आलम यह है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हैं। वो भूल रहा है कि अगर वो किसी काम का नहीं तो उसके आतंकी आका ही उसका काम तमाम कर देंगे। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है, पिटने के बाद ही उसका दिमाग ठिकाने लगता है। भारत में ऐसे लोगों को बेहया कहते हैं, जिसका एक ही इलाज होता है, उखाड़ कर फेंक दो। पाकिस्तान का भी एक ही इलाज है, उखाड़ कर फेंक दो। ऐसे में सवाल ये कि अगर पिटाई ही पाकिस्तान को सुधारने का एकमात्र तरीका है, तो क्या हर दिन युद्ध से ही शुद्ध होगा पाकिस्तान? पूछता है भारत। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी हमारे डिबेट में हैं और उनके साथ डिबेट करेंगे गौरव आर्या। गौरव आर्या, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी ये इमरान खान की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो इनको आप जरा बता दीजिए, इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, मेजर गौरव आर्या हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ है उससे ज़्यादा फेमस पाकिस्तान में है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग उनके पुतले जलाते हैं। इनके फ़ोन पे ना हर बलूच वीर के नंबर है, और जो बलूची बलूचिस्तान को आज़ाद करेंगे उन सारे नंबर इनके पास हैं, और सारे बलूची हमारे साथ टच पे हैं। तो गौरव आर्या जी, ये पिटे हुए बाजवा अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की दुनिया, पाकिस्तान की बात कोई दुनिया में कोई नहीं सुनता कश्मीर को लेकर, आप जरा इनको बताइए ऐसी हालत क्यों हो गई? गौरव आर्या, आप संक्षिप्त में बताइए, कंसाइज में, अर्णब ऐसी हालत क्यों है पाकिस्तान की कि बाजवा खुद बोल रही है बात आज जी? अर्णब जी, इसका सबसे बड़ा जो कारण है कि चाहे पाकिस्तानियों को सच्चाई समझ में आए ना आए, भारत और सारी दुनिया को यह सच्चाई पता है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है। अर्णब, ये पैसा लेते हैं लोन वापस नहीं करते, हर जगह आप देखिए, चाहे लंदन ट्यूब की बॉम्बिंग्स हो या फिर अमेरिका में कुछ आतंकवादी गतिविधि हो, यूरोप में कहीं भी हो, आपको ताने बाने पाकिस्तान से जुड़े मिलेंगे। तो जब ये बात करते हैं कश्मीर की, राइट, मतलब अगर मैं बुरा इंसान हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बुरा इंसान हूं और मैं एक अच्छे इंसान से दोस्ती करता हूं तो उस अच्छे इंसान का भी नाम खराब होता है। तो पाकिस्तान की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पाकिस्तान जिससे अच्छे दोस्ती करता है उस अच्छे बंदे का नाम भी खराब हो जाता है, उस अच्छे देश का भी नाम खराब हो जाता है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जीरो है। तो अभी जावेद बाजवा साहब को ये कमर जावेद बाजवा साहब को समझ में आ गया है, इल्म आ गया उनको कि ये सब, ये बहुत पहले से यार ना, भी ये 70 साल से पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं ले रहा, ये सब हमारे पास एटम बम है, हम ये कर देंगे, कश्मीर में जिहाद कर देंगे, ऐसा कर देंगे। आप मगर बाजवा क्यों, इनके पार्टी के लीडर के इमरान खान के ट्वीट देखिए, बाजवा क्यों रो रहे हैं ये बताइए मुझे, बाजवा अचानक देखिए ये खुलेआम जो बोल रहे हैं कि हमारी बात कोई नहीं सुनता। अर्णब, बाजवा सिर्फ रो नहीं रहा, बाजवा गायब हो गए हैं 3 साल का एक्सटेंशन लेके, लाइन ऑफ कंट्रोल पे इनकी पिटाई हो रही है बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, रोज इनके फौजियों की लाशें उठ रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से। अरे अभी तो हम इनको मार का ट्रेलर दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं नहीं, देखिए देखिए एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, आप गलत बोल रहे हैं गौरव आर्या, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हैं, आप बताता हूं क्यों, क्योंकि असली बात यह है कि पिक्चर तो अभी बाकी है दोस्त, ये तो हमने मार की ट्रेलर दी है और इतना मारा हमने ना पिछले 10 दिनों से। अब ये तो देखिए इफ्तिकार चौधरी जी, अभी तो हमने मार की ट्रेलर दी है,
तो आप लोग अपनी गलती मान रहे हैं, जबकि असली मार जब पड़ेगी तब आप लोग क्या करेंगे? तब तो पूरा पाकिस्तान भारत के गुलाम बनने को तैयार हो जाएगा। चार दिन पहले आप लोगों ने मैप भी चेंज कर दी, बोला कि हाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अच्छा किया, मारा हमने, थोड़े सुधर गए, और मारा तो बाजवा बोल रहा है। ये बताइए चौधरी जी, और कितने कितने मार के बाद आप ये अपना ये जो रुदाली रोना बंद करेंगे कश्मीर को लेकर? क्योंकि भारत अर्नब सुनिएगा, आप जो ये जो मेजर, क्या नाम है इनका, आरविया, क्या नाम है, मैं तो जानता नहीं हूँ इनको, जिसके पुतले पाकिस्तान पाकिस्तानी आवाम से पूछिए, सब जानते हैं मेजर का नाम। आप नहीं जानते, मैं वही हूँ जो सपनों में आता हूँ आपके। अब सुने ना, मैं वही हूँ जो सपने में आता हूँ आपके। आपके हर टेलीविजन चैनल पे ये चेहरा आता है, आप कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं जानते, वो क्या नाम है मेजर का? ये चले गए, सोच वो वो इनकी बत्ती ऑफ हो गई वहां पे, ये आ गए भाई हमारे दूसरे राज्य, भाग गए। बात करी इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी, भाग गए गौरव, भाग गए, भाग गए जी, लाइन काट दी, सुन नहीं पाए, कान पक गए इनके, पहली बार आए ना रिपब्लिक भारत पर जी। बोलिए, आगे वापस आइए चौधरी जी, बोलिए। मैं मौजूद हूँ। अब मैंने क्या किया यार, इसकी दुम पे पांव रख दिया गया, आपका जो मेजर है, कम मेरे सामने कुछ जर्नल लाओ यार, को बड़ा तकड़ा लाओ मेरे लिए। किस किस को बुलाओगे तुम इकट्ठे करके? आप तो चूहे हो सारे इकट्ठे करके, वो बिल्ली के घंटी बांधने निकल जाते। अपने नाम के आगे इंजीनियर कौन लिखता, पहले ये बताओ, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि अपने नाम के आगे किसी ने इंजीनियर लिखा है। एक बात बताओ, अगर ये मेजर चूहा है तो चूहे के पुतले क्यों जला रहे हो पाकिस्तान में? चौधरी फवाद क्यों ट्वीट कर रहा है? कौन सा चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान क्यों ट्वीट कर रहा है? क्यों डर गए? नाम है मेजर का, बिल्ली के गले में है, तुम्हारे सपनों में आते मेरे दोस्त इंजीनियर, सुनो कौन सा दोस्त तुम्हारे हवा बंद कर रखी है एक आदमी ने, ठीक है? अरे सुनो, ये तू है बिल्ली का खेल बंद करो, अब इनको पानी पी, ये पानी पियो यार, पानी पियो, पानी पियो, पानी पी लो, पानी पी लो, तुमने फट जाएगी सर की, पानी पी लो, पानी पी लो, रख दिया गया, पानी पी लो। देखो सुनो इंजीनियर, एक काम करो यार, इंजीनियर एक काम करो, सुनो सुनो, चिल्लाओ मत, एक काम करो, या तो पानी पी लो, ठीक है, बात तो सुनो, या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम यही कर सकते हो, डूब लो चुल्लू भर पानी में, डूब मरो तुम, और सुनो तुम और तुम्हारा इमरान, तुम्हारा इमरान क्या नाम है इस मेजर का? क्या नाम है इस मेजर का? नाम नहीं पता इस मेजर का? ये वही है तुम्हारा नाम क्या? तुम्हारे टीवी चैनल से सुबह शाम ये बताइए चौधरी साहब, खौफ भर गया अंदर, कोई अरे ये तो इनको, अरे रुकिए गौरव आर्या, अरे इफ्तिकार चौधरी, आप वही इफ्तिकार चौधरी हो ना जो आप पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने गए थे 1971 में, 1971 में भर्ती होने गए थे ना, और सुनिए 1971 में भर्ती होने गए थे ना आर्मी में, क्यों चौधरी, चौधरी 1971 याद आ गई, याद आ गई 1971, 1971 याद आ गई, हाँ खिचड़ी बना दी तुम्हारे देश की, 1971 याद आ गई, तुम्हारे आर्मी का जो भर्ता बनाया था हमने बांग्लादेश में, याद आ गई, याद आ गई, रोना आ गया, रोना तुम भी करोगे, ये रोने वाला है गौरव, ये रोने वाला है, ये रोने वाला है, कौन सा तुम, ये रो चुका है, कह रहा हूँ इफ्तिकार चौधरी, अब रोने वाले, अब्बू का नाम ले रहा है, चाइना चाइना कर रहा है, डर गया ये, मैं बेहद डर गया ये इंजीनियर से, कह रहा हूँ ये रोने वाला है, का नाम ले रहा है, कह रहा है चाइना चाइना, आओ बचाओ, अर्नब और मेजर मिलके मेरी क्लास ले रहे हैं, बचाओ मुझे चाइना, आओ शी जिनपिंग आओ, बचाओ मुझे, आराम से हजामत करो, इतना खौफ क्यों है, इतना खौफ देखिए चौधरी साहब क्यों, और ये चौधरी भी नाम, चौधरी 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 में होता है मलिया जी, चौधरी लेफ्टिनेंट कर्नल क्यों बनने दिया आपने, आवाज बढ़ाइए, कर्नल क्यों बनने दिया आपने, अगर मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता तो पाकिस्तान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा रहता, तो मेजर झेल नहीं पा रहे, लेफ्टिनेंट कर्नल की बात कर रहे हो, फिर कह रहे हो मेरा मलिया हाशमी इंजीनियर इफ्तिकार चौधरी के बचाव में डिबेट में, इमरान ने क्या,
आशमी जी, आप जरा नियंत्रण करिए। तुम लोगों को ये रिकॉर्डिंग, सबसे पहली बात ये है जी, मैं अपने फेलो पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो भारत से है, कि सिर्फ एक मिनट खामोशी से मुझे सुन लीजिए, मेरा ओपिनियन लेना, उसके बाद आप डिबेट करते रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे समझ नहीं आता, बाजवा रो क्यों रहे हैं? भारत को बाजवा ने कश्मीर में, बाजवा ने कश्मीर में, मलिया जी आपके 10 सेकंड आपके आर्मी चीफ ने 3 साल का एक्सटेंशन दिया, वो रो क्यों रहा है ये बताओ? आप लोग इसलिए आप बाजवा ने बाजवा क्यों कह रहे हैं कि दुनिया हमारी बात नहीं मानता, कश्मीर रो क्यों रहा है बाजवा ये बताओ? कश्मीर को लेकर दुनिया हमारी बात नहीं सुनता, बाजवा क्यों कह रहा है? पूछता है भारत, बाजवा क्यों कह रहा है? पूछता है भारत, बाजवा क्यों रो रहा है? पूछता है भारत, बाजवा ने ऐसा क्यों कहा? पूछता है भारत, बाजवा को किसने बुलवाया? पूछता है भारत, बाजवा ने इमरान खान को ये ऐसे क्यों बोला? पूछता है भारत मलिया जी कि बाजवा क्यों बोल रहा है? क्यों रुला रहे हैं बाजवा साहब? आपको क्यों रुला रहे हैं? उसकी वजह ये है, बाजवा सामने दिखे तब तो रुलाएगा। मेरी आपने देखी मलिया, एक बात बताइए मलिया, मलिया आपके मुल्क का आर्मी चीफ कौन है? हाफिज सईद है कि कमर जावेद बाजवा है? अपने आर्मी चीफ का नाम बताओ। हाफिज सईद है कि कमर जावेद बाजवा है? आर्मी चीफ कौन है पाकिस्तान का? चीफ ऑफ आर्मी मलिया, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, राजा फैसल वापस बैठ पर दोनों। हाफिज सईद की कमर जावेद बाजवा और ललित अंबरदारी रो रहा है बाजवा, रो रहा है बेचारा खौफ के मारे लिए कश्मीर आज निकल गया। अरे आप इन पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद करते हो? निकलेगा पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद कर रहे हो? कितना तड़पाओगे इनको सर, कितना तरसाओगे इनको? अरे थोड़ा रहम करो इन पाकिस्तानियों के ऊपर। पहली जंग लड़ी थी पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी फौज ने एक जंग लड़ी थी, पहली जंग लड़ी थी, वर्दी में नहीं पहनी थी। उन्होंने जब कश्मीर के ऊपर हमला किया 1947 में सलवार कमीज पहन के, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन के, एक 303 बंदूक लेके कश्मीर के ऊपर हमला किया और गाजी बन के वहां पर हिंदू और सिखों का कत्ल किया मकबूजा कश्मीर में। ये पहली जंग थी। दूसरी जंग 1965 में मार खा गए। तीसरी जंग 1971 में इन्होंने बंगाल के अंदर ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू और सिख बंगालियों का, हिंदू और बंगाली मुसलमान कत्लेआम किया अपने मुसलमानों के ऊपर, अपने हिंदू पाकिस्तानियों पर। आजकल जो जंग कर रहे हैं बालाकोट के बाद, ये जो प्रॉपर्टी डीलों के जो जनरल है ना सर, पाकिस्तान के दानिशवर। इंजीनियर इफ्तिखार जी, आपको दो बातें कहना चाहता हूँ मैं, जरा मेरी बात सुनिए खुलकर खुलकर खुलकर। मैंने मैंने देखिए, मैंने इसका पूरा जो है एनालिसिस मैंने की है। अब ऐसी बात है इंजीनियर साहब, आपको गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। 6 मई को है ना, आपके जो आपने ट्रेनिंग दी थी सैयद सलाउद्दीन ने रियाज नाइक को, उसको हमने मार दिया। 16 मई को हमने ताहिर को मारा। 19 मई को सलाउद्दीन ने दो और को भेजा, उसको भी मार दिया। अब हम लोग इंडिया में कैसे काम करते हैं आपको बता देते हैं। हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है ना, कि आप ये सुन ले, आप मैं आपकी बात कितने गौर से सुन रहा हूं। एक एक करके मारते हैं। सुनिए ना, देखिए देखिए, मैं बात सुन लीजिए 10 सेकंड। आप डरिए मत मेरे से, डरिए मत, आप पाकिस्तानी है मगर डरिए मत। नहीं नहीं, आप पाकिस्तानी मगर डरिए मत, मेरी बात सुनिए। मैं कह रहा हूँ कि हम नाम लेकर मारते हैं, ठिकाना देखकर, ठिकाना देखकर अटैक करते हैं, ठिकाना देखकर अटैक करते हैं। पुलवामा देखिए, बालाकोट में क्या क्या आपको याद है? बालाकोट में क्या किया हमने? बालाकोट में क्या किया? चिल्ला चुनो, मैं तो आराम से बात कर रहा हूँ। आप पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं? जो है वो आप पाकिस्तानी की तरह क्यों बात कर रहे हैं मुझे बताइए? फ्रीडम फाइटर्स रियाज, आप नॉर्मल आदमी की तरह बात नहीं कर सकते। आप कोई हो उसको अर्नब, एक बात कहना चाहता हूँ इनको, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। ये जिनको फ्रीडम फाइटर बोल रहे हैं, पाकिस्तानी की तरह बात कर रहे हैं, यही तुम्हारे मस्जिदों में ग्रेनेड फाड़ते हैं, यही तुम्हारे स्कूलों में तुम्हारे बच्चों को मारते हैं, यही तुम्हारे मिलिट्री बेसिस पे अटैक करते हैं, और फिर तुम्हें अकल नहीं आती फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। यही फ्रीडम फाइटर है, यही फ्रीडम फाइटर है जो एटीएस पेशावर पे अटैक करते हैं, यही फ्रीडम फाइटर है इस तरह के बंदे को लेके आते हो, यही फ्रीडम फाइटर है फसाद में
फौजियों को मुझे बोलने का मौका दी, मैं आपको ठंडे तरीके से फाइटर कहना चाहता हूं, अगर इसको चुप करा दो जब तुम्हारे आपको जवाब दे, अगर इसको चुप करा दो ये कराए के मेजर को, ये जो कराए के मेजर पाकिस्तानी गौरव आर्य को चुप नहीं करा पाया आज तक ऐसी बात है। देखिए इंजीनियर साहब आपको एक बात बताता हूँ ये गौरव आर्य के बारे में, एक मिनट, ये बड़े खास किस्म के इंसान है। गौरव 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 आपकी पहचान दे रहा हूँ, गौरव गौरव ये आपको पहचानते नहीं मैं बता दूँ, एक बाइक गौरव गौरव इंजीनियर साहब देखिए 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 इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, ये गौरव आर्य ऐसे व्यक्ति है ना, इन्होंने दुनिया में पता नहीं कितने पाकिस्तानियों को चुप करा दिया, कितने पाकिस्तानियों को चुप कराया, कोई पाकिस्तानी इन्हें चुप नहीं करा पाया। ये कहता है जी आप टेंशन में क्यों आ गए, इसका तो नाम खुदा, आप टेंशन में क्यों आ गए, अरे इसकी वैल्यू क्या है आपको क्या पता, हम सब आएंगे लाहौर, हम लाहौर में आएंगे, लाहौर के बीच सड़क में हम बिरयानी खाएंगे, आप अभी नंदन की तरह, हम लाहौर से होते हुए बहुत दूर जाएंगे, हम लाहौर से होते हुए बहुत दूर जाएंगे। जनरल चौधरी भी आपका 65 में आया था, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो मैंने कई बार बोली इस टीवी पे, 1965 में था, हम लोगों ने 93,000 पाकिस्तानियों का इतना गाना नहीं गाया जितना इंजीनियर एक अभिनंदन का गाना है। जब 93,000 पाकिस्तानी फौजी ढाका में अपनी पतलूने छोड़ कर आए थे और शर्मसारों के सरेंडर करा था, हमने आज तक उनका नाम नहीं लिया जो एक अभिनंदन को ये दो दिन आखिरी सवाल तो मुझे मिलना चाहिए इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार गिलानी, इफ्तिखार इफ्तिखार चौधरी की आखिरी सवाल मैं पूछूंगा सिर्फ आपसे, आप मेरे स्पेशल गेस्ट है आज, आप मेरे स्पेशल गेस्ट है, आपसे पूछूंगा गौरव एक मिनट, अभी देखिए इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी पाकिस्तान इमरान खान की पार्टी के तहरीके इंसाफ के प्रवक्ता पूछता है भारत एक सवाल, मैं पूछूंगा गौरव एक मिनट, मेरा टर्न है, मेरी टर्न है गौरव, मुझे पूछने दीजिए, इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी मैं पूछ रहा हूँ बताइए, चलो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ये है आपसे इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी जी, तो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, ये जो क्लिप होगी ना, ये तो पूरे आपके पाकिस्तान में वायरल कर दूंगा मैं, मेरी बात सुनिए, अरे भाई आप तो, अरे चिल्ला, अरे हार्ट अटैक हो जाएगा, अरे शांति से सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए, पानी पीजिए, सुनिए इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी जी आखिरी सवाल पूछता है भारत में, मेरी ओर से आपको बताऊँ, मेरी ओर से आपको भारत ने, मेरी ओर से आपको एक सवाल है, भारत जवाब दे, हाँ जी थैंक यू, पूछता है भारत, पूछता है भारत, नागालैंड को जवाब दे, पूछता है भारत, को जवाब दे, थैंक यू आराम से, पूछता है भारत, पूछता है भारत, आवाज आ रही है, पूछता है भारत कि 1971 में आपके 93,000 आर्मी वालों ने सरेंडर क्यों किया, आपके 93,000 आर्मी वालों ने सरेंडर क्यों किया, बंदूक क्यों फेंक दी उन्होंने, 93,000 पाकिस्तानी भी आर्मी वालों ने सरेंडर क्यों किया ये बताइए मुझे, अरे भाई 1971 में 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर क्यों कर दिया, आपका पिछवाड़ा जो सरेंडर क्यों कर दिया, सरेंडर क्यों कर दिया, अपनी बेल्ट क्यों खोल दी, अपने पिस्तौल अपने पैर के सामने क्यों रखे, सरेंडर क्यों किया आपने, सरेंडर क्यों किया आपने, हुकूमत की आप सरेंडर क्यों कर दिया आपने, अरे हार क्यों गए आप बताइए मुझे, पिटते क्यों, 1,000 साल के बाद पिटते क्यों, आपको इख्तदार मिला और आप पिटते क्यों, आप रोक सकते हो मुझे, आपका प्रोग्राम नेगेटिव किया, दोस्तों इस सवाल का जवाब एक दिन कोई पाकिस्तानी जरूर मुझे देगा, दोस्तों कल शाम 7 बजे फिर मिलूंगा आपसे, सबको मेरा धन्यवाद और नमस्कार, नमस्कार।